क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गठबंधन की सरकार और सत्यानंद भोक्ता, एक ही नारा हेमंत द्वारा गरीब कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास इतना योजना है कि गिनती कराने में घंटों लग सकता है। मतलब दूसरा राज्य में ऐसा नहीं चल रहा है। जनता का रुझान है झारखंड में, दूर दूर तक एनडीए नहीं है, पूरा इंडिया है, और दो तिहाई नहीं, तीन तिहाई बहुमत से भारी प्रचंड के साथ माननीय मुख्यमंत्री फिर शपथ लेंगे। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता है, जो कि सक्रिय राजनीति में पिछले डेढ़ दशकों से रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपनी बहू पर भरोसा जताया है और ऐसे में रश्मि प्रकाश चुनावी मैदान में है। कितना समर्थन मिल रहा है, जा रहे हैं जतरा के जनता से मिलने के लिए? देखिए, लगातार हम लोग इस क्षेत्र में 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। कोई सा प्रखंड, कोई सा पंचायत, कोई सा गांव नहीं है, कोई सा समाज जो हमको नहीं जानता और हम उनको नहीं जानते हैं। पूरा चतरा की जनता भाली भाली जानती है कि क्षेत्र का कोई विकास कर सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गठबंधन की सरकार और सत्यानंद भोक्ता, तो होली, दिवाली, ईद, बकरीद जितना त्योहार होता है, हम लोग लगातार 12 महीना क्षेत्र में रहते हैं। जैसे सबका एक ही आशा उम्मीद है, एक ही नारा, हेमंत द्वारा। डेढ़ दशकों तक आप झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार सीट बदलने के कारण आप अपनी बहू पर भरोसा जताएं, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, क्या लगता है वो जनता का प्यार उन्हें मिल पाएगा जो प्यार सत्यानंद भोक्ता को मिला? पूरा चतरा के महागठबंधन के कार्यकर्ता, विधानसभा की जनता, सबको आशीर्वाद मेरे बहू पर है और सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं भरपूर। और हम लोग यहाँ चुनाव जीते थे और फिर हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। विरोधी पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? पर्सनल टारगेट, इंटरकास्ट मैरिज और कई तरह के बातें सामने आ रही। लेकिन जो चुनाव लड़ रहा है उसको कुछ लगता है कि होपलेस हो गया है। हिंदुस्तान में दो ही जाति है, एक स्त्री एक पुरुष, अब कोई जात पात होता नहीं है। तो लोग तो सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, और जो लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से लड़ रहे हैं, उनके छतरा में कोई जनाधार, कोई संगठन, कोई झंडा बनर कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ हमेशा हम लोग आरजेडी बीजेपी लड़ाई होता था, अब तो बीजेपी है नहीं, सिर्फ आरजेडी है और सबका समर्थन आरजेडी पर है। किस मुद्दे और विजन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि 5 साल आप सरकार में रहे हैं, आपने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, काम किए, नियुक्तियां पत्र बांटी, जब आप अपनी बहू को लेकर जा रहे हैं तो क्या वादे जनता से कर रहे हैं? वादे करने की जरूरत नहीं, माने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इतना काम किया कि कोई कल्पना नहीं किया होगा। पूरे देश में पहला राज्य झारखंड है जो 18 बरस से 50 बरस, 50 बरस से 60 बरस, 60 से लेकर 100 बरस, यानी हम कह सकते हैं पूरे झारखंड को अगर सर्जन पेंशन, पेंशन, विधवा पेंशन, दिवांग पेंशन देने काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। तो हर घर में खुशी का लहर है कि जो आशा उम्मीद थे कि सास के भी, पोतों के भी, बहू का भी, सबके घर घर में 10,000-7,000 रुपया जा रहा है, तो सबके चेहरा में मुस्कान है। दूसरा, जब बिजली में बकाया होता था, जमा नहीं लोग कर पाते थे, तो ये प्यार हो जाता था, बिजली लाइन काटा जाता था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बकाया बिल माफ कर दिया, 200 में बिजली फ्री कर दिया, और गरीब के कल्याण के लिए पूरे झारखंड में अभुआ आवास हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, किसी पंचायत में 300, कहीं 400। गरीब के लिए जहाँ राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड सरकार ने उपलब्ध कराया, फिर धोती, साड़ी, लुंगी सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, 15,000 रुपए तक लोन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना,
कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो, कोई बोलेरो, कोई 5 लाख से ले 50,000 से लेकर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक सबको दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योजना में उसको जोड़ा जा रहा है। फूलो जानो योजना जो ताड़ी माड़ी लोग बेचती थी महिलाएं, उसको प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपया दिया जा रहा है। तो ऐसे गरीब कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास इतना योजना है कि गिनती कराने में घंटों लग सकता है। मतलब दूसरा राज्य में ऐसा नहीं चल रहा है। जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से हम लोग दुधारू गाय, बकरी विकास ने बकरी, मुर्गी, बत्तख, हर तरह का योजना चल रहा है। जो जिस ऐसा समाज है, जो लोग काम करते हैं वैसे लोग हर तरह की योजना चल रहा है। 2019 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 7 सीटें मिली थी, सिर्फ 1 सीट पर आप जीते, विधायक बने, मंत्री बने। अब 2024 का समीकरण बदला है, सीटें बदली है, ऐसे में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपनी बहू को आगे किए हैं। अगर रश्मि प्रकाश विधायक बनती है तो मंत्री भी बनेगी? देखिए, मंत्री बनेगी कि नहीं बनेगी तो तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी करेंगे। आपकी क्या इच्छा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तय करेंगे। अभी लक्ष्य है हम लोगों को अधिक से अधिक सीट जीतना, सरकार बनाना। टफ है क्या? टफ फाइट देख पा रहे हैं? नहीं, अभी जो जनता का रुझान है झारखंड में, दूर दूर तक एनडीए नहीं है, पूरा इंडिया है, और 2/3 है, 3/3 बहुमत से भारी प्रचंड के साथ माननीय मुख्यमंत्री फिर शपथ लेंगे। एक आखिरी सवाल लेते हैं जाते जाते, क्या लग रहा है इस बार 2019 में जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं या सक्रिय राजनीति में विधानसभा चुनाव में आप जितना मेहनत करते थे, इस बार डबल मेहनत करनी पड़ रही है, और कि जीत को लेकर कितने अस्वस्थ हैं, और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? अभी तो हम लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं, वादा नहीं कर रहे हैं। बिना घोषणा बिना वादे के इतना काम झारखंड सरकार ने किया है, सिर्फ बताना है कि भाई पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो गरीबों के लिए तरह तरह की योजना लाई है और सबको लाभ मिल रहा है। सरकारी कर्मियों के लिए भी तो ओल्ड पेंशन लागू कर दिए, आरक्षण ओबीसी 67% के 1932 का खतियान भी लागू कर दिए। अब भारत सरकार नहीं मान रहा है तो राज्य सरकार तो कर दिया। फिर अब वो सरना कोड लागू करने लिए विधानसभा से पास कर दिए। जितना COVID-19 में बचते बचाते हुए और फिर जो कड़ा कड़ा जो निर्णय लिया गया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, ये कम समय में झारखंड में इतिहास रचने काम किए हैं। अब हर सवालों का भी बाकी से जवाब देने वाले मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ बात कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।